अब बात करते हैं जो इस वीडियो का बेसिकली कंटेंट है, आज है आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी कैसे इंप्रूव करें। तो अगर आप नेचुरली वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं समवेयर डाउन द लाइन आपकी बॉडी थोड़ी सी स्टिफ हो जाती है, तो उसको फिक्स करने के लिए थोड़ी सी स्ट्रेचिंग के वर्कआउट की जाती है। इस वर्कआउट करने में आपको बहुत समय नहीं लगेगा, हार्डली 10-15 मिनट करके खत्म कर दोगे। बहुत सिंपल शॉर्ट है, ऐसी वर्कआउट जिसमें आपकी बॉडी थोड़ी स्ट्रेच हो, वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी बॉडी थोड़ी सी स्ट्रेचेबल नहीं रहेगी तो ड्यूरिंग वर्कआउट आपको क्रैप मसल पुल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेक श्योर आप थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग के वर्कआउट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो उसी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए आज मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे सिंपल से आसन। आज मैं वर्कआउट नहीं बताऊंगा, आज मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे आसन जिसको 5-5 बार करके आप अपने बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव कर सकते हो। तो ध्यान ये रखना है, इस वर्कआउट को सुबह खाली पेट ही करना है। साथ में जब आप वर्कआउट करने जाओ तो आपके पास एक शॉर्ट्स साथ में एक लूज टी-शर्ट्स होना बहुत जरूरी है ताकि आप कंफर्टेबली इस आसन को परफॉर्म कर सको। तो चलिए शुरुआत करते हैं वो टॉप 3 योगा आसन जो आपके फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने में काफी हद तक हेल्प करेगा। पहला आसन है हलासन। हलासन के लिए दोनों हथेलियों को आपको जमीन की तरफ रखने हैं, फिर धीरे से अपने दोनों पैरों के टो आपस में मिलाएंगे। उसके बाद बॉडी पे कंट्रोल करते हुए दोनों पैरों को ब्रीदिंग करते हुए पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा हाथों का सपोर्ट आप बेहिचक कर सकते हैं। जब तक पीछे रहेंगे सांस छोड़ के वहाँ पर थोड़ी देर हम लोग होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे पूरे कंट्रोल के साथ हाथों का सपोर्ट लेते हुए हम लोग नीचे की तरफ आएंगे। सांसों पे कंट्रोल, बॉडी पे जर्क न लगे और पूरी तरह से आप एक कंट्रोल मोशन में ये आसन परफॉर्म करेंगे। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करें, हथेलियों को ज़मीन पे रख दें। उसके बाद दूसरी बार दोनों पैर फिर से पीछे की तरफ ले जाएंगे। यहाँ मैंने सांस भरते हुए यानी कि ब्रीद इन करते हुए पीछे ले गए और ब्रीद आउट मैंने करके सांस रोके रखी, हथेली मेरी ज़मीन पर है। फिर धीरे धीरे पूरे कंट्रोल के साथ पैरों को वापस जहाँ पे था पैर उसी प्लेस पे लाके लाई डाउन कर देंगे। यह है हलासन जो एडवांस लेवल है। अगर आप बिगिनर हो, आपसे ये नहीं हो पाता है, उस कंडीशन में भी आप ये आसन कर सकते हो। कैसे, उसका टेक्निक मैं अब बता रहा हूँ। तो पैरों को आप पीछे तो ले जाओ, बट आप जितना कर सको उतना ही पैरों को पीछे पुश करो। धीरे धीरे पैरों को जितना हो सके उतना मैक्सिमम पुश करो, लेकिन बहुत ज़्यादा बॉडी को एक्सट्रीम प्रेशर नहीं देना है। यह आसन करते करते आपके हैबिट में आएगी। स्टार्टिंग में शायद आप बहुत पीछे तक न ले जा पाए, बट धीरे धीरे करके आप पैरों को आराम से पीछे की तरफ ले जा पाएंगे। ध्यान रखिएगा आसन करते समय आपको रेस्ट मोड बहुत ध्यान से करना है। रेस्ट ले ले क्या दूसरी बार तीसरी बार शुरुआत करिए। ये आसन हम लोग 4 बार ही परफॉर्म करेंगे। हाथों का सपोर्ट लेके दोनों पैरों को पीछे ले जाएंगे बिल्कुल आराम से, पूरा बॉडी पे कंट्रोल, अपनी सांसों पे यानी कि ब्रीदिंग पे कंट्रोल करते हुए ये आसन हम लोग परफॉर्म करेंगे। ये था हमारा पहला आसन हल आसन। ध्यान रखिए 4 बार ही आपको परफॉर्म करने हैं। अगर आप बिगिनर हैं, हथेली खोल के आसन करने के बाद रेस्ट करें। अब जो हमारा दूसरा आसन है वो है धनुरासन। अब धनुर का मतलब है अपने शरीर को एक धनुर की आकृति में बनाना। तो इसके लिए आपको अपने पैरों को पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे और पैरों के इस हिस्से को हम लोगों को पकड़ना है। ध्यान रखिएगा दोनों पैरों को हम लोगों ने फोल्ड किया, हाथों से एक अच्छा ग्रिप करके तब हम लोग ये आसन को परफॉर्म करेंगे। हमने सांस भरी और पैरों को ऊपर की तरफ मैंने स्ट्रेच किया, जितना मैं मैक्सिमम खींच सकता हूँ मैंने उतना कोशिश किया। जब तक ऊपर है हमारी सांस रुकी हुई है, जैसे ही नीचे आएंगे सांस छोड़ते हुए पैरों को ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स छोड़ देंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे ताकि जो हमारी ब्रीद है वो नॉर्मल स्टेट पर आ जाए। जैसे हमारे ब्रीदिंग अपने पुराने नॉर्मल स्टेट में आ जाए, फिर से पैरों को फोल्ड करेंगे, टो के नीचे वाले हिस्से को पकड़ेंगे, एक अच्छा ग्रिप लेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ पैर को खींच के श्वास को होल्ड रखेंगे फॉर 2-5 सेकेंड्स। उसके बाद धीरे धीरे पैरों को ढीला छोड़ेंगे
बॉडी फिर से रिलैक्स स्टेट पे रखेंगे और थोड़ी देर अपने ब्रीथ को नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। जिनसे ना हो पाए वो हाथों को इस तरीके से कलाई को पकड़ लें, पैर को अपने उसी तरीके से फोल्ड कर लें। श्वास भरते हुए अपना घुटना जमीन से आपको ऊपर उठाना है, चेहरा आपका सामने की तरफ। ये है बिगिनर लेवल, जिनसे वो नहीं हो पाए वो इस तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी लोग पैरों को फोल्ड करके टो के नीचे वाले हिस्से को पकड़ेंगे और ऊपर की तरफ पूरी बॉडी को लिफ्ट करने की पूरी भर सक कोशिश करेंगे। ये है हमारा धनुरासन, आपके स्ट्रेचिंग और फ्लैक्सिबिलिटी को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो पैरों को ढीला छोड़ें, थोड़ी देर बॉडी को रेस्ट कर लेते हैं। अब जो हमारा लास्ट आसन है वो है चक्रासन। ये थोड़ा सा टफ आसन है कह सकते हो आप। अपने पैरों को अंदर की तरफ फोल्ड करना है आपको और ज़मीन पे एक अच्छे ग्रिप आपको बना के ये आसन को शुरुआत करनी है। और जो आपका हाथ है वो कुछ इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ जाएगा। ध्यान से देखिएगा हाथों की पोजीशन और बॉडी के अलाइनमेंट कैसी है। उसके बाद श्वास यानी कि ब्रीद इन करते हुए हम अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर देंगे। ये हमारे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ हमारे बैक पेन में भी मदद करता है। साथ साथ जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है उनके लिए भी ये आसन बहुत ही इफेक्टिव है। तो थोड़ी देर पैर फैलाइए, अपने सांसों को नॉर्मल करिए, उसके बाद आप दूसरी बार सेम ऐसे ही परफॉर्म करिए। अब ध्यान रखिए पैर को अंदर की तरफ फोल्ड करना है, ग्रिप आपको अच्छी रखनी है, हथेली आपके पीछे की तरफ इस डायरेक्शन में जाएगी। आपको लंबी ब्रीद इन करनी है, उसके बाद जब तक आप ऊपर हैं आपकी श्वास यानी कि ब्रीद रुकी हुई रहेगी 4 to 5 or 10 seconds। जैसे आपको लगे अब नीचे आना चाहिए तो श्वास यानी कि ब्रीद इन आउट करते हुए आपको धीरे धीरे पूरे बैलेंस के साथ आपको करना है। अब जिनसे ये ना हो पाए इस तरीके से, अगर बिगिनर हैं आप तो सिंपली पैरों को फोल्ड करिए, ग्रिप अच्छी बनाइए, पैरों को थोड़ा सा अंदर की तरफ शिफ्ट करिए, उसके बाद हथेली जमीन की तरफ आपको ब्रीद इन करना है, कमर को आपको ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है विद हेल्प ऑफ योर टो। अब हाथों का सपोर्ट आप ले सकते हैं ताकि आपकी जो बैक है वो मैक्सिमम स्ट्रेच हो सके। जब तक ऊपर है हमारी श्वासें यानी कि ब्रीद हमारी रुकी हुई है, जैसे हम नीचे आए हमारी श्वास बाहर की तरफ, पैर अंदर फोल्ड, घुटना आपस में सटा हुआ, हमने श्वास भरा, पैरों को टो के सहारे ऊपर की तरफ लिफ्ट किया, कमर को लिफ्ट किया और अपने श्वासों को कुछ चंद सेकेंड हमने होल्ड किया। ये है बिगिनर लेवल। अगर आपसे ऐसा नहीं हो पाता है तो आप ये वाला टेक्निक यूज़ करके ये चक्रासन आप परफॉर्म कर सकते हैं। अब थोड़ी देर रेस्ट। तो गाइज ये एक आसन है न कि वर्कआउट। यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं जो हम लोगों को आसन करते समय फॉलो करने बहुत ज़रूरी है। पहला, आपको ये वर्कआउट मॉर्निंग में ही करना चाहिए अगर आपको बहुत जल्दी इफेक्टिव रिजल्ट्स चाहिए तो। दूसरी चीज़, आपको ये पूरे आसन आपको खाली पेट ही करने हैं। तो कोशिश करो सुबह जल्दी उठ के फ्रेश हो जाओ और बिना कुछ खाए खाली पेट ही आपको ये आसन को परफॉर्म करने हैं। अब अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिल पाता है, किसी कारण से सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हो, उस कंडीशन में आप खाना खाने के एटलीस्ट 3 to 4 hours बाद ही आप इस आसन को परफॉर्म करोगे। ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपकी जो ब्रीदिंग है वो बिल्कुल कंट्रोल रहे, ब्रीद आपकी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो। इसको बोलते हैं अगर आप हांफने लगते हो आसन करने में तो ये अच्छी बात नहीं है। भले आप 2-3 times कम करो पर जब तक आपकी ब्रीदिंग आपके अंदर कंट्रोल से नहीं होगी तब तक करने का कोई भी मतलब नहीं है। तो मेक श्योर ब्रीदिंग पे होल्ड और कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। जब आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल स्टेट पे आ जाए तब आप दूसरी आसन की ओर शिफ्ट होइए।
बिना ब्रीदिंग को नॉर्मल किए आपको ये आसन परफॉर्म नहीं करने हैं। तो ये थे छोटे छोटे टिप जो आपको ध्यान रखने थे। तो ये थी छोटी सी वीडियो रिगार्डिंग हाउ टू इंक्रीज योर फ्लेक्सिबिलिटी। आई होप आपको वीडियो अच्छी और इंटरेस्टिंग जरूर लगी होगी। साथ में अगर आप चाहते हैं फैट लॉस डाइट प्लान फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यूजर आई डी यहाँ पे मेंशन हो रही है, नीचे लिंक है, क्लिक करोगे सीधे मेरे आप पेज पर डायरेक्टली पहुंच जाओगे। मैसेज करो, डीएम करो विद इन 24 आवर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाइट प्लान मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।